Morning, all of you. Good morning, sir. Pair of straight line. समाज में ये वैसे तो स्ट्रेट लाइन के साथ पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हम इसे सर्कल की बात कर रहे हैं, कोई विशेष पर्पस है, सिर्फ इतना है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन का हमारे इंट्रोडक्शन हो चुका है थ्रू सर्कल। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन ही है। बनी कैसे होगी? नाम खुद ही चीख चीख के बोल रहा भाई साहब, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्कल में हमने एक पेयर ऑफ टेंजेंट लिखा, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या? एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। कैसे बनी? दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन से। अब दो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं भाई साहब दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इक्वेशन नहीं मल्टीप्लाई होती, मल्टीप्लाई होते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन ले लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और एक एक्सप्रेशन ले लीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्व टू जीरो लगा दूंगा तो ये बन जाएगा सेकंड डिग्री जनरल, सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। विच इज एक्चुअली वॉट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस सिंपल सी बात। अब मुद्दे की बात यह है कि ये काम तो हम लोग स्ट्रेट उसमें भी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में, तो ये कोई नई कड़ी नहीं है, ठीक है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरे सीखने के लिए चीजें हैं वो ये हैं। जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरे सीखने के लिए ये है कि एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म बनी, सही है, एक वाई स्क्वायर की टर्म बनी, एक एक्स वाई की टर्म। ये जो तीन टर्म मैंने बोली ये मेरे बनने वाले एक्सप्रेशन की सेकंड डिग्री टर्म्स हैं। कितने डिग्री टर्म्स हैं? एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, एक्स वाई की डिग्री, वाई स्क्वायर की डिग्री, ये तो हो गई सेकंड डिग्री टर्म्स, ठीक है। इसके बाद आएगी x की टर्म, y की टर्म, ये कौन सी डिग्री की टर्म? 1 डिग्री की टर्म, सही। और फिर लास्ट में आएगा एक कांस्टेंट टर्म, दैट इज 0 डिग्री टर्म। किसी भी सेकंड डिग्री के एक्सप्रेशन को बनाने के लिए तीन डिग्रियों की टर्म्स होती है, एक सेकंड डिग्री की, एक 1 डिग्री की और एक कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको तीनों तरह की बता दी। सेकंड डिग्री की टर्म्स बनेगी इन्हें मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर। सिंगल डिग्री की बनेगी x की और y की, और एक बनेगी कांस्टेंट टर्म, क्लियर है। छह टर्म बनेगी, उस छह टर्म वाले एक्सप्रेशन को बोला जाता है सेकंड डिग्री जनरल एक्सप्रेशन। ये तो फ्लैशबैक था सब कुछ जो हमने पास्ट की बातें करी, ठीक है। थोड़ी देर तक तो हम लोग बात करेंगे इनके मल्टीप्लीकेशन से क्रिएट होने वाली तीन सेकंड डिग्री टर्म्स की, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, जिसे मैं इन जनरल लिखा करता हूं, ठीक है, सही है। अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक में यह भी बताया गया था कि जब मैं इन दो टर्म्स को इन दो टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से, एक्स वाई वाली टर्म को एक्स वाई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स और वाई वाली टर्म्स को एक्स और वाई वाली टर्म्स, यही टर्म्स क्रिएट होगी। वो तो सही बात है या नहीं है? ना तो एक्स की टर्म क्रिएट होती है, ना वाई की, ना कॉन्स्टेंट टर्म। ये दो टर्म जब इन दो टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो यही तीन टर्म बनते हैं, करेक्ट है या नहीं है? सही बात है। वो एक्स y और कांस्टेंट इनकी वजह से क्रिएट हुए हैं। ये c जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, तो x, y और कांस्टेंट टर्म क्रिएट हुए, क्लियर है? क्लियर है, चलिए लिखिए। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जिसकी अपन पहले चर्चा कर रहे हैं, ये वाली, इसमें हर टर्म की डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री, चूंकि डिग्रीज इक्वल है, चूंकि डिग्रीज इक्वल है इसलिए इसे बोला जाता है होमोजीनियस टर्म। चूंकि डिग्री 2 है इसलिए इसे बोला जाता है सेकंड डिग्री होमोजीनियस टर्म, सही है। अगर एक थर्ड डिग्री की भी होमोजीनियस हो सकती है। होमोजीनियस का मतलब हर टर्म की डिग्री सेम, थर्ड डिग्री होमोजीनियस का मतलब हर टर्म की डिग्री 3, क्लियर है। ये तो खैर जब हम और बड़े हो जाएंगे, फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग ये चीज देखेंगे। अभी फिलहाल अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू ऑफ द फॉर्म, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो,
विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओराइजन, पासिंग थ्रू ओराइजन. देखिए वैसे तो मैं ये चीज आपको समझा चुका हूं, ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस बनती है. यहां से सी हटा दो और यहां से आर हटा दो. अगर इस तरह की दो लाइंस के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक सेकेंड डिग्री होमोजीनाइज एक्सप्रेशन क्रिएट होगा. सही है, इन दोनों को अगर लाइन बनाया जाए, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्या ये ओरिजिन से पास होती हैं? ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस को अगर कंबाइंड किया जाएगा तो जो एक्सप्रेशन क्रिएट होगा वो होगा सेकेंड डिग्री होमोजीनाइज्ड एक्सप्रेशन. ना एक्स की टर्म आएगी, ना वाई की आएगी, ना कॉन्स्टेंट टर्म आएगी. क्लियर है क्या? अरे क्लियर है. अच्छा, क्वाड्रेटिक में जब हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ रहे थे तब हमने इसे फैक्टराइज करके दो स्ट्रेट लाइन बनाने की भी कोशिश करी थी. सही है, तब भी आपको एक चीज बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करी गई थी. ये जो चीज आपके सामने लिखी गई है इसे x की क्वाड्रेटिक भी पढ़ा जा सकता है और इसे y की क्वाड्रेटिक भी पढ़ा. जब भी आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं या दो से ज्यादा हैं, फॉर दैट मैटर, जरूरी नहीं है दो ही होंगे हमेशा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हायर एजुकेशन की बात है. अभी हमारी जिंदगी में जितनी मैक्स टू मैक्स औकात है दैट इज दो वेरिएबल, ये वाली. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करी जाती है हमेशा किसके लिए? वेरिएबल के लिए. अगर एक वेरिएबल है तो उसके लिए किया जाएगा, दो है तो दोनों के लिए की जाएगी. भाई सीधी सी बात है, लोगों ने बोला दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर एक्स एज वेल एज वाई, जिसके लिए आपको सॉल्व करनी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अगर आपको इसे एक्स के लिए सॉल्व करनी है तो इसे एक्स की क्वाड्रेटिक मानूंगा. क्लियर है, अगर मैं इसे एक्स की क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसे पहले एक्स की क्वाड्रेटिक की तरह लिख देता हूं. इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस कंसिडरिंग दिस अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, y will be treated as constant. कि x की quadratic बन गई भाई साहब, बन गई क्या? हैं? Solve करने का तरीका x बराबर minus b plus minus b square, सही लिख रहा हूं क्या? Minus 4ac, आदत वही है ना, upon 2a, तो 2a की जगह अच्छा 2a ही. बाजे 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 बाजे, समझ गए? सुनो ध्यान से, देखो x बराबर माइनस h प्लस माइनस रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a टाइम्स y, विच रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. भाई साहब y बराबर mx टाइप की है, अब वो एक्चुअली x बराबर my टाइप्स की लिख दी हमने. y के लिए सॉल्व करता तो आपको लिटरली y बराबर mx दिखता. ठीक है, जहाँ पे m की दो वैल्यूज दिखाई दे रही होगी आपको स्लोप की, यहाँ से दो स्लोप मिल जाएंगे. भाई साहब दो कैसे? अरे एक प्लस एक माइनस, यार क्या कर रहे हो हैं? लेकिन यहाँ भी मेरी जिंदगी में एक चीज़ और आई, नॉर्मली आ गई बिल्कुल. ये देखो मनुष्यत के अंदर कोई बैठा है, कौन? एच स्क्वायर माइनस. भाई साहब मनुष्यत के अंदर अगर कोई चीज बैठी हो तो वो तीन कंडीशन तो ले ही आती है. हैं? लाती है क्या? नाउ इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी क्या क्या रिजल्ट दे रही है भाई? लाइंस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. मानते होगे भाई? If h square is equals to ab, lines will be real and, हाँ भाई साहब, अगर h square is equals to ab हो गया तो ये खत्म है. तो पता है लाइन की इक्वेशन क्या आई? x बराबर माइनस h by a y, दोनों लाइन्स की, दोनों लाइन की इक्वेशन सेम. मतलब क्या हुआ? मजा ही नहीं आया. मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंट हो गया भाई साहब. लाइंस विल बी रियल एंड कोइंसिडेंट. तीसरी कंडीशन हुई एच स्क्वायर लेस देन ए बी. इनको ये जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें,
पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ते हो, जब शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आ जाती है शॉर्ट नोट्स के अंदर, और फिर आ जाती है उसके बाद दीवारों के ऊपर। मैंने एक वीडियो भी सुनाया था आपको एक दिन, अगर आपको याद हो तो, मुश्किल है वैसे आप लोगों को याद हो। दीवारों पे लिखी हुई चीज़ तो ज़िंदगी बन जाती है आपकी, दीवारों पे लिखी वो दिखता है ना, तो हम तो हमेशा रहते हैं उसके अंदर। अब वो अलग बात है दीवारों पे लिख के आप पार्क में घूमने चले गए, दैट इज़ डिफरेंट, फिर तो कद्दू चिपकेगा फिर आपके दिमाग में। रूम में भी रहना कंपलसरी भाई इसके लिए, समझे ही नहीं। ऐसे नहीं दीवारों पे लिख के घूमने शहर घूमने निकल गए, फिर कोई फायदा नहीं है दीवारों पर चिपकाने का। इफ एच स्क्वायर लेस देन ए बी, अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया तो लाइन्स कैसी आएंगी, इमेजिनरी हैं। लाइन्स विल बी इमेजिनरी। अब जिसके लिए मैंने ये चीज लिखवाई है, जिसके लिए मैंने दीवारों वाली बात बोली, वो आ रही है लाइन्स विल बी इमेजिनरी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज ओरिजिन। अजी साहब ये पूछा जा चुका है एक बार जेई में, लाइन्स इमेजिनरी है लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है, कौन सा, ओरिजिन। क्यों, हमने पहला स्टेटमेंट यही लिखा है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो रियल डिस्टिंक्ट हो, रियल कोइंसिडेंट हो, चाहे इमेजिनरी हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों, अरे ओरिजिन तो सेटिस्फाई करेगा भाई, से 0.0 रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ये जो भी है, बट ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है। क्लियर है, अच्छा ठीक है साहब। अब बात क्या आई, बात ये आ गई सीधी सीधी कि ये जो ड्रामा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, लोग मानने लग गए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लोग मानने लग गए इस बात को कि ये जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइन है भाई साहब। हमने उल्टा वो किया, रिवर्स, हमने ओरिजिन से पास होती दो लाइन से बना ली। अब लोग भाग जमा हो गए भाई साहब, लोगों ने बोला अरे ओरिजिन से जाने वाली लाइन्स की इक्वेशन तो हमें पता है किस तरह की होती है, हमने पूछा किस तरह किस तरह की, उन्होंने बोला वाई बराबर एम वन एक्स वाई बराबर एम टू एक्स टाइप की, बोलो सही है नहीं है? Yes, है। अगर मैं ये कहूं कि इन दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन ये दी हुई है, देखो पहले अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू करो, मैं अपने लिए खुद के लिए एक प्रॉब्लम बना रहा हूं। अगर मेरे को दी गई दो लाइंस y इक्वल टू एम वन एक्स और y इक्वल टू एम टू एक्स, ये एम वन एम टू कहां से आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा भाई साहब, फैक्टराइज करके आएगा, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर इनकी कंबाइंड इक्वेशन ये दी हुई है तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से ये क्रिएट होना चाहिए। जल्दी बोलो, क्रिएट होना चाहिए का मतलब क्या है, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगी उससे इसे कंपेयर कर सकता हूं, क्या मिलेगा बताओ, सोच के देखो क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, एम वन एम टू और इनके कॉफिशेंट्स में रिश्ते मिलेंगे। एम वन एम टू मेरे लिए अननोन है भाई, अभी मैंने दो लाइंस मान ली वाई इक्वल टू एम वन एक्स वाई इक्वल टू एम टू एक्स, भाई देखो सीधी सी बात है ओरिजिन से पास होने वाली हर लाइन की इक्वेशन इसी टाइप की होती है। अगर वास्तव में आपकी दी गई इक्वेशन मुझे ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन देती है तो इनके मल्टीप्लीकेशन से ये इक्वेशन क्रिएट होनी चाहिए, तो मैंने जबरदस्ती क्रिएट करा दी। अब चूंकि एम वन एम टू मेरे द्वारा माने गए कोई अजम्पशन थे तो मुझे उनमें और इनके कॉफिशियंट में रिश्ते चाहिए भाई साहब, जिससे एम वन एम टू निकाले जा सकें। एम वन एम टू कितने अननोन है तो डेफिनेटली दो रिश्ते मिलेंगे, देखिए डेफिनेट अपने आप मिलेंगे, ये चीजें बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट है, मिलने ही चाहिए, दो अननोन आपने इंट्रोड्यूस किए भाई साहब, मैं तो इतना ही कह रहा हूं ना, इनके मल्टीप्लीकेशन से यही क्रिएट होगा, तो बना लेते हैं ना अपन अपने हिसाब से, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सही है। चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स बराबर जीरो, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू टाइम्स एक्स वाई आएगा ना पक्का, एक्स वाई प्लस एम वन एम टू टाइम्स
एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। भाई साहब मेरा तो यह है भाई, हैं नाउ कंपेयर, इसको मान लेते हैं रिश्ता नंबर टू, इसे मान लेते हैं रिश्ता नंबर वन, कंपेयर वन एंड टू, कर दूं कंपेयर? अरे कर दूं? चलो भाई साहब, वन अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशियंट बी माइनस टाइम्स एम वन प्लस एम टू अपॉन टू एच, एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ए इंप्लाइज एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी, एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मैंने जानबूझ के एम वन और एम टू के रिश्ते इस तरीके से निकलवाए, जानबूझ के। मैं चाहता तो मैंने किताबी तरीके से भी निकलवा सकता था, ये मैंने किताबी तरीका यूज नहीं लिया। मैंने आपको फिर से समझाने की कोशिश करी, क्या आया कैसे बे, दो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की मल्टीप्लिकेशन से आया। मैंने स्ट्रेट लाइन अपनी इच्छा से मानी, अब अपनी इच्छा से मानी तो मैं कुछ अननोन इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने अननोन इंट्रोड्यूस किया कि इसमें एम वन और एम टू में, तो इनके प्रोडक्ट से अगर यही बन रही है तो एम वन एम टू में रिश्ते मिलेंगे, दो अननोन दो रिश्ते गिरे, ये स्टैंडर्ड रिश्ते हैं। एम वन प्लस एम टू कोई भी दो लाइन जो पास होगी उनके स्लोप का सम तो होगा माइनस टू एच बाई बी और प्रोडक्ट होगा ए अपॉन बी। कुछ कुछ तो इसका रिश्ता मेरे को क्वाड्रेटिक जैसा जरूर लग रहा था, ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे ये चीज समझ में आ पाती तो शायद मैं इसे दूसरे तरीके से भी अंजाम दे सकता था, मुझे ऐसा लगता है शायद। सही है, एम वन क्या है? एम वन वाई बाय एक्स की एक वैल्यू है, समझ रहे हो। एम टू क्या है? वाई बाय एक्स की कोई दूसरी वैल्यू है, समझ रहे हो। y by x क्या है? y by x एक वेरिएबल कंसीडर किया जा सकता है, इसे अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो, इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x स्क्वायर व्हाट आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन y by x। देखो b y by x का होल स्क्वायर, ये इस चीज को देखने का, देखो मैं बार बार एक एक चीज रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुना करो। मैं अच्छे मेथड और बुरे मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। ये एक डिफरेंट सोच है, ये एक डिफरेंट सोच है। मैंने इसे y by x की क्वाड्रेटिक बना दी, बना सकता था, सही है। अगर इसके द्वारा रिप्रेजेंट करी जाने वाली दो लाइंस ये हैं, अगर इसकी फैक्टरी तो बनेंगे रही आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y by x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, कौन सी, m1 और इसका मतलब इसकी रूट दो हो गए भाई साहब। अगर मुझे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता पड़ गए m1 और m2 है, तो इतना तो क्वाड्रेटिक सबने पढ़ा है भाई साहब कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते हो। सम ऑफ द रूट लिखोगे माइनस बी बाई ए, ये बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए लिखोगे ये बन जाएगा, ठीक है क्या। लेकिन एक बात तो जरूर है, अगर ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस मेरे को पता पड़ गई इस जो कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो उनके स्लोप्स के बीच में रिश्ता मुझे पता पड़ गया, सम पता पड़ गया, प्रोडक्ट पता पड़ गया। क्वाड्रेटिक मुझे इतना तो सिखाती है कि भाई साहब अगर आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है तो आप रूट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले करोड़ों अलग रिश्ते निकाल सकते हो, जैसे सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बोलो यार। जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये सब चीजें मैं निकाल सकता हूं, तो मैंने एक छोटी सी चीज सोची, क्या, कि इससे रिप्रेजेंट करी जाने वाली, इससे रिप्रेजेंट करी जाने वाली ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन यदि y = m1x और y = m2x है, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल थीटा निकाला जा सकता है, हैं? निकाला जा सकता है एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू का मॉड, सही है भाई साहब। एम वन माइनस एम टू क्या होता है? रूट अंडर एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, करेक्ट है? नहीं है, वन प्लस एम वन एम टू,
मॉड, मेरे पास सब चीजें थी भाई साहब आज तो। समुद्र रूट था या नहीं था? ये रहा, इसका स्क्वायर 4h² - b² - 4ab / 1 + a / b, समझ रहे नहीं समझ रहे? एलसीएम बी स्क्वायर मनुष्य के बार बी 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 कैंसिल इज इक्वल टू 4 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स अंडर रूट h² - ab / a + b। थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले यही इसी जगह लिखा हुआ था, अभी मिटाया हमने जस्ट। एच स्क्वायर और ए बी की कुछ कंडीशंस थी, अगर आप नोटिस करियो, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा, एच स्क्वायर ए बी के बराबर और एच स्क्वायर ए बी से छोटा, वो यहाँ पे भी दिखेगा आपको मनुच्छेद के अंदर बंधा हुआ। अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होगा तो एंगल आएगा क्योंकि लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट है, हैं? अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर होगा तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? लाइन को इंसिडेंट हो गई यार, कैसी बातें कर रहे हो? लाइन ही को इंसिडेंट होगी तो बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो। सेम चीज आ रही है, एच स्क्वायर अगर ए बी छोटा आ गया, लाइन ही नहीं है तो एंगल किस बात का? लाइन इमेजिनरी है तो एंगल क्या करोगे निकाल के? तो यहां से आएगा भी नहीं एंगल, अपने आप ही नहीं आएगा। ऐसे पढ़ा दूंगा मैं पूरा कंटिन्यूअसली 1.5 घंटे बिना रुके, सो समाप्त हो जाए, है ना? क्या हो जाता है उससे? ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए। हमने बचपन से देखा, बचपन था हमारे स्ट्रेट लाइन में, जब भी दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला हम लोग बनाया करते थे तो साथ में कुछ कंडीशंस आ जाया करती थी, हैं? दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी अगर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो, तो वो तो हम आज भी बना सकते हैं शायद। ये उड़ा रहा हूँ नहीं है कि ये तो बहुत देर पहले लिखाया था मैंने, वीडियो लेक्चर, आई एम प्रमोटिंग वीडियो लेक्चर ऑल्सो, आई विल नॉट टेक एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम यू, डोंट वरी। हाँ भाई साहब, नोट, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0, है फर्स्ट पार्ट, विल बी परपेंडिकुलर, विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ भाई साहब, इनके द्वारा रिप्रेजेंट करी जाने वाली लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी यदि m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना हो? ये चीज हम पहले कर चुके हैं, है ना? m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई साहब? माइनस। आज ही पता पड़ा हमें कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट के हिसाब से m1 m2 की वैल्यू होती है a / b। अभी आइए भाई साहब, a / b = लो जी साहब, नई कंडीशन तैयार। a + b = 0, ये b इधर गया, माइनस b इधर आ गया, a + b = 0। a कौन? कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस b कौन? कोफिशिएंट ऑफ y² भाई x² और y² के कोफिशिएंट का सम यदि 0 है तो इनके द्वारा रिप्रेजेंट करे जाने वाली लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है।
सेकेंड विल बी पैरेलल और कोइंसिडेंट। हाँ भाई साहब, एम वन इजिकल्स टू या फिर थीटा इजिकल्स टू जीरो, यानी कि टेन थीटा बराबर जीरो, यानी कि एच स्क्वायर बराबर ए बी। एच स्क्वायर बराबर ए बी। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हाँ भाई, विल मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स विथ एक्स एक्सिस। ऐसा कब होता है भाई? एम वन एम टू बराबर वन, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एम वन प्लस एम टू बराबर जीरो। एम वन प्लस एम टू बराबर जीरो। अरे एम वन प्लस एम टू कितना आया था भाई? टू एच बाय बी बराबर जीरो। इम्प्लाइज एच बराबर जीरो। इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। नोट दैट इन दिस सिचुएशन इफ लाइन मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, भाई साहब दोनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही, भूलो मत। अगर लाइन्स ओरिजिन से सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक एंगल थीटा बना रही है तो दूसरा बनाएगी 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जल्दी बोलो यार। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हुआ? थीटा। अरे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब वाई एक्सिस विल आल्सो एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब इन दिस केस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्ट्स एज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या? हैंस कोऑर्डिनेट एक्सिस विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन pair of straight lines, bracket में लिख लें in this case only, है ना? या in this case? अरे इस केस की बात हो रही भाई साहब। अगर m1 plus m2 जीरो हो जाए, अगर m1 plus m2 जीरो हो जाए तो इस केस में coordinate axis angle bisector का काम करते हैं। कोई समस्या समझने में? कोई हम तो मर गए सनम टाइप्स। नॉर्मल नॉर्मल चीजें चल रही है। चलिए नेक्स्ट। Combined equation of angle bisectors. Combined equation of angle bisectors.
देखिए भाई साहब, ये मान लीजिए दो लाइंस है हमारी, इनकी कंबाइंड इक्वेशन मुझे दी हुई है। वो ये कंबाइंड इक्वेशन कौन सी जो चल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए भाई साहब। पूछ लिया किसी ने, मांग ली कि यार इनके एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन निकालो। अच्छा तो पहले तो एंगल बाइसेक्टर बना दिए, कितने बनेंगे, तभी तो कंबाइंड की पूछी होगी। ये इनके एंगल बाइसेक्टर बना दिए भाई साहब, ठीक है। अच्छा लाइंस को क्या माना हमने, y बराबर एम वन एक्स और y बराबर एम टू एक्स। कमाल की बात ये थी कि एम वन एम टू और इनके कोफिशिएंट के रिश्ते में पहले से जानता था, अगर कभी जरूरत पड़ी उसके एंगल बाइसेक्टर कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए, अगर कहीं एम वन एम टू बन रहे होंगे तो उन्हें ए बी और एच के अंदर तो मैं ले ही आऊँगा, क्योंकि रिश्ते पता है ना, दो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन भी तो हमने निकाल लिया एच ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या किया, बुलाया किसको, किसको बुलाया, नहीं भैरू बाबा नहीं है वो, अभी वो छुट्टी पे गए हैं अभी हमने बुलाया किसी पी पॉइंट को। क्या करेगा वो, नाचेगा, पी पॉइंट का तो काम ही यही है। हमने बुलाया पी एच कमा के को, ठीक है। अब किसी तरह से तो कोई कंडीशन तो लगानी थी, फिर हमने इसको वापस भेज दिया, चल नहीं लेते हम तेरे को, हम अल्फा बीटा को लेके आएंगे आज। लोगों को डर लगा एच यहाँ पे भी था, बजा दोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। अल्फा बीटा को बुलाया वापस भेज के, गड़बड़ जाएगी ना, यहाँ भी तो एच है, लफड़ा करोगे फिर तुम। दूसरे पॉइंट को बुलाया अल्फा बीटा, अब सही है, अब अच्छा लग रहा था। लो देखो भाई, इसके इंक्लिनेशन को माना मैंने थीटा वन और इसके इंक्लिनेशन को माना मैंने थीटा टू। कमाल की बात यह है कि थीटा वन और थीटा टू के टेन तो पता है, टेन थीटा वन की वैल्यू एम वन है, टेन थीटा टू की वैल्यू, और इस एंगल बाइसेक्टर के इंक्लिनेशन को माना थीटा है। सुन रहे हो क्या? अच्छा अब देखो एक चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है पता है, तभी तो एंगल बाइसेक्टर होगा बे। ये वाला एंगल थीटा माइनस थीटा वन, दिस इज थीटा टू माइनस थीटा, लिख सकता हूं कुछ, कोई तो रिश्ता लिख सकता हूं, थीटा टू माइनस थीटा बराबर थीटा माइनस थीटा वन, टू थीटा बराबर थीटा वन प्लस थीटा टू है, टेन टू थीटा बराबर टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। कमाल की बात ये m1 है, m1 प्लस m2 अपॉन वन माइनस m1 m2 है, और ये है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता है, अगर मुझे ये ओरिजिन पता हो और ये पॉइंट पता है तो? टेन थीटा तो पता है, कितना है बीटा अपॉन अल्फा बता रहे भाई साहब लोग भाग हैं, तो फिर तो वी आर ऑल सेट, हमें सब पता है, हमें m1 वन प्लस एम भी पता है, हमें m1 वन एम भी पता है, पता है क्या, रख दिए मैंने तो सब। लो रखो भाई, 2 tan थीटा की जगह बीटा बाय अल्फा अपॉन वन माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू एच अपॉन ए अपॉन वन, बी है बी बी है ए अपॉन बी, समझ रहे हैं क्या, घुसपुस 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 घुसपुस, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए माइनस बी, वो माइनस एडजस्ट कर दिया नीचे हैं। अब इसे अल्फा को एक्स और बीटा को वाई से लोकस लिखना है भाई साहब, हैंस
कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस करके उल्टी करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, जैसे याद रखते हैं लोग भाग, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। इसको ऊपर ले, मतलब इसको इधर ले गए और इस एच को नीचे ले आए। याद रखने का सबका अपना अपना तरीका है, मैंने ऐसे रट रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, उनके कॉफिशेंट्स, एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट ए, वाई स्क्वायर कॉफिशेंट बी, सीधे सीधे लिखा हुआ है ना, फिर वो एक्स वाई का कॉफिशेंट का थोड़ा सा हाफ हाफ का लफड़ा है, ये थोड़ा दूर दूर सा लगता है बट है जो है, क्या कर सकते, एक्स वाई अपॉन एच। ये भाई साहब कंबाइंड इक्वेशन आ गई किसकी, एंगल बाइसेक्टर की। अगर मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दोगे तो मैं उनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दूंगा सीधे के सीधे ही, लगे हाथ। Prove that the product of the perpendicular dropped from a point P x1 comma y1 to the pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 h। मान लो कभी प्रूव करने को इस तरह से दे दिया जाए, बहुत ही प्यारी चीज है। सच में वेरी सिंपल टू प्रूफ है। हिंट ये है कि लाइन हमें पहले से पता है, कोई भी पी पॉइंट ले लीजिए एक्स1 कॉमा वाई1, इस पे परपेंडिकुलर गिराओगे उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पता है आपको फॉर्मूला, इस पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही फॉर्मूला पता है। फॉर्मूले तो दोनों के पता है, उनका मल्टीप्लाई करना है बस। अब उनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली m1 m2 में एक मसाला मिलेगा आपको। आपके दुश्मन m1 m2 है, आपके दुश्मन x और y नहीं है, क्योंकि उनकी जगह तो x और y आ जाएगा। अरे x और y गिवन है भाई, x और y की टर्म में रिश्ता चाहिए, लेकिन m1 m2 आपने माना है ना, तो सम प्रोडक्ट तो पता ही है। अब देखो सम प्रोडक्ट की हेल्प से आप कैसे लेके आते हो, जल्दी करो। बिल्कुल आसान है भाई साहब, बिल्कुल बहुत भीषण आसान है। लाइन की इक्वेशन तक पता है आपको तो दोनों, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर गिरा के उनके प्रोडक्ट करने हैं बस। P के कोऑर्डिनेट h कॉमा k नहीं है, P के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 गिवन है, गिवन है, गिवन है, ये इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तभी तो x1 कॉमा y1। इतना ज्यादा भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके बोले जाने की वैल्यू खत्म हो जाए। Right।
तुमने उस पर परपेंडिकुलर गिराया, तो भाई साहब देखो ये किसकी गलती है, मचाया किसने क्या है उसको, तो मैंने उसकी लिखने के बाद से यूज नहीं करा अब तक, और यूज करूंगा भी नहीं कभी जिंदगी में, वो तो मैं भूल ही गया था भाई साहब, मैंने लिखा है, तूने याद दिलाया वापस कि मैंने लिखवाया था मैं करूंगा ही नहीं वैसे, भेजा थोड़ी कराया मेरा, हालांकि आएगा तो सही वैसे उससे भी, क्योंकि ये सब चीज उसी से आई है, लेकिन हमने उस तरह से करके दिखाया, हमने सम ऑफ द रूट उस तरह से करके दिखाया कि m1 + m2 लाया मैं वैसे, फिर क्यों करूं ऐसा काम, तो मैं नहीं करूं सर, पाप मत करवाओ मेरे से आखिरी दिनों में हाँ आखिरी दिन ही है ना भाई, कोर्स खत्म होने वाला है कोर्स खत्म हो रहा है ना भैया, भाई देखो जब हमारे एक आध दो चैप्टर बचते हैं हम भूमि का बांधना चालू कर चुके होते हैं, हमें हमें क्या रिलैक्स मिलता है इससे, तुम्हें खुशी नहीं है, तुम्हें खुशी नहीं मिलती हमारी खुशी से, पता नहीं कैसे हो तुम, लाल चड्डा जनवरी, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक आंसर, व्हाई टू स्पेसिफाई सर जनवरी, ओके एनीथिंग एल्स, why you are so much interested in the last date, uske baad chutti hai kahan pe 6 january se nahi nahi jaoge ghar yahi rahoge bas yahi puchna tha, okay clear theek inko dekh liya karo jab tumhari chutti ka man kare na, inki shakle dekh raha hu, in pe chutti nahi likhi hui inke chehre pe dekh, इनको मिली नहीं रही छुट्टी, किस खुशी है भाई, ओ भाई स्कूल के हैंगओवर से बाहर है, स्कूल नहीं है ये बेचारा उठ ही नहीं पा रहा, तो चुप, तूने अभी हवा में कराना है इसे, तो उसी हैंगओवर में रह बस तू, स्कूल मत जा, स्कूल मत जा अभी तो ट्रॉफी खाई भी नहीं तूने, यही पड़ी है इसमें, देखी मैंने ऊपर, अच्छा उसमें अच्छा ये तो उसका बैग है लो आ जाओ, कितने लोगों का हो गया है, तो इतने लोगों का हुआ भाई इतना टाइम देने के बाद भी, जैनी जी तुम भी मतलब है क्या, तुम भी इसके रंग में रंगे जा रहे हो फिर हैं ये दैट वाज एन एपिक स्टेटमेंट एक्चुअली, ये बहुत बढ़िया बोला, लेकिन नहीं नहीं इसने बहुत बढ़िया बोला, आई एम स्टिल इन डैश, लो उड़ा दूं, नहीं उड़ा रहा ये जरूरत पड़ेगी भाई, इसी फोटो में काम चला लेते हैं ना, मान लेते हैं y = m1x एक लाइन है, y = m2x एक दूसरी लाइन है, अब बस बात सिर्फ इतनी सी है कि p पॉइंट एंगल बाईसेक्टर पे लाइन नहीं करता कहीं भी, कहीं भी वो, इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा, क्वेश्चन में नहीं था, फ्रॉम अ पॉइंट पहले लिख दिया अलग से, कोई पॉइंट है भाई साहब px1 y1, उससे दोनों परपेंडिकुलर गिराया, उनके प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट जो है वो ये आता है डायरेक्ट, तो हमने मान लिया, पता है शांति रख, हमने मान लिया px1 y1 इस पे परपेंडिकुलर गिरा है, मान लो d1 इस पे परपेंडिकुलर गिरा है, मान लो d2, क्या d1 और d2 की वैल्यू मुझे पता होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भाई, तो d1 * d2 डायरेक्टली लिख दिया, मॉड y1 - m1 x1 अपॉन रूट अंडर 1 + m1 स्क्वायर * मॉड y2 - y1 - m2 x वन है ना अपॉन रूट अंडर 1 + m2 square, फिर इन्हें मल्टीप्लाई किया, जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया गया होगा करा होगा तो आप लोग यहां पहुंचे होंगे y1 square - m1 + m2 times x1 y1 + m1 m2 times
एक्स वन स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वन प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर। कमाल की बात यह है कि हमें दो रिश्ते पता थे। कौन से दो रिश्ते पता है भाई? लिखे हुए नहीं है कहीं? नहीं लिखे हुए, दोबारा लिखने पड़े। एम वन प्लस एम टू बराबर माइनस टू एच अपॉन बी और एम वन एम टू बराबर ए अपॉन बी। इन दो से इन सब चीजों को भरा जा सकता है, ये भी निकल सकता है, हैं? बाकी दो स्टेप तो आपको खुद ही लिखनी चाहिए, मैं तो नहीं लिखा रहा। अब आपसे हो चाहे ना हो, ए हेंस प्रूफ। लो आगे लिखो। पहले हमने क्वाड्रेटिक में एक चीज पढ़ी, अगर आपको याद हो तो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, है ना? याद है क्या किसी को? ऑफ द फॉर्म क्या होती भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। याद है? नहीं याद है? अच्छा सुनो, तो विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कंडीशन याद है किसी को? इफ बिना डिटरमिनेंट के बोलो, ऐसे क्या होता है? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो। कई लोग इस डिटरमिनेंट में भी याद रखते हैं, खैर चलो हमने अभी उसकी बात नहीं करी। ये कंडीशन है भाई, अगर इनके कॉफिशेंट ए बी सी एफ जी एच इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई से बनती है। जैसे मान लो x प्लस टू वाई इज इक्व टू थ्री, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्व टू सेवन। ये दो लाइन्स है भाई साहब, हैं? इनकी कंबाइंड इक्वेशन पूछी। कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनती है? जो भी लाइन है उसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन और इसके एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या है भाई? एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन। एक साइड लाके इक्वल टू में जीरो बना के जो भी मसाला मिले वो दैट इज एक्सप्रेशन उस लाइन का। उन दोनों लाइन के एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दिस विल बिकम अ सेकंड डिग्री जनरल एक्सप्रेशन। सेकंड डिग्री जनरल या सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन, जनरल तो क्या, जनरल तो ये होता है, ये तो पर्टिकुलर है ना। अ सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन बनेगा, इक्वल टू जीरो लगा दूंगा तो सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। कंबाइंड इक्वेशन किन दो लाइंस की? इन दो लाइंस की। नहीं समझ रहे? बेसिकली ये हमने क्या है, फैक्टराइज्ड वर्जन में लिखा हुआ है। ये फैक्टराइज्ड वर्जन है ना भाई, दो फैक्टर बना दिए, ठीक है? अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है तो फैक्टर करके आप उनकी इक्वेशन बना सकते होंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आपको याद हो कि ये प्रूफ आया कैसे था तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाके आपको हल्का सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। दिस इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड एज क्वाड्रेटिक इन एक्स एज वेल एज वाई। एक्स या वाई किसी की भी इसे क्वाड्रेटिक माना जा सकता है, सही है? अगर इसे एक्स की क्वाड्रेटिक मान के जब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए लगाया तो वो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के अंदर वाई की एक क्वाड्रेटिक बनी। क्या बनी? वाई की एक क्वाड्रेटिक बनी। मैं आपको हल्की फुल्की याद दिला रहा हूँ, ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक्स बराबर माइनस टाइम समथिंग प्लस माइनस अपॉन अंडर रूट टू ए, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे एक वाई की क्वाड्रेटिक बनती है, वो वाई की क्वाड्रेटिक है एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस टाइम समथिंग। हे मास्टर, इतनी डिटेल में क्यों जा रहा है? मैं इतनी डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि भाई साहब ये जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने डी बराबर जीरो लगाया था, बहुत ही प्यारी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारी। दिस इज वॉट वी कॉल अ वेरी एक्सीलेंट खोपचा आइटम। ये अंदर वाई की क्वाड्रेटिक बनी, मैं चाहता था मनुष्य थट जाए। क्यों? क्योंकि रैशनल चीजें तभी मिलती है, रैशनल मतलब अच्छी चीजें तभी मिलती है जब मनुष्यत गायब होती है, ठीक है?
जब रैशनल मिलेगा तभी ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की लाइंस की इक्वेशन बनेगी, तभी फैक्टराइज होगी। यही फैक्टर होते हैं, इन्हीं रूटों से ही तो फैक्टर आते हैं भाई साहब, रूट से ही फैक्टर बनते हैं। अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक के रूट पता है तो उसके फैक्टर भी पता होते हैं। यस और नो? हैं? हूं नहीं, आवाज निकलनी चाहिए मुंह से। हाँ, खोपचा आइटम क्या बोल रहा था सुनो मैं, अच्छी चीज। एक एक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है, इसका डी जीरो। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सही बात। तो जिस दिन ये मनुष्यत में होगा उस दिन हम लोग खुश होंगे, क्यों, मनुष्यत गायब हो जाएगी, ठीक है, ये मनुष्यत के बाहर निकल आएगा। क्लियर? क्लियर। अच्छा, मैंने कंडीशन क्या लगाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए? डी बराबर जीरो, चेक करा। यहां मैंने कंडीशन लगाई ना कि यार इसका डी जीरो हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, हट्टा। अच्छा, एक बात है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, एक बार डी चेक करते हैं इसका, है डी बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, ओह जीरो है, है? क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर? हाँ है, माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो अच्छे समझो चीज को, मजा आया इसमें, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, कोई मना नहीं कर रहा इस बात से, परफेक्ट स्क्वायर है, डी जीरो है भाई। मनुष्य चढ़ाई किसी ने, मनुष्य चढ़ाई, लोग बड़े दुखी थे भाई, मातम का माहौल था भाई साहब, ये बाहर आना चाहता था, आ ही नहीं पा रहा था, शायद कोई रोक रहा था उसे, कौन, माइनस, सॉरी हो गया भाई साहब, परफेक्ट स्क्वायर तो बना लेकिन जो भी मिलेगा वो रियल नहीं है, समझ गए, किससे फर्क पड़ा। फिगर नंबर टू बनेगा कि फाइव बनेगा, इससे फर्क पड़ता है? डी बराबर जीरो होने से परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिक्कत तो उस बात की नहीं है, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, फिगर नंबर टू बन रहा है कि फाइव बन रहा है, इससे मनुष्य चढ़ने के बाद बाहर निकले एक्सप्रेशन के रियल और इमेजिनरी होने पर तो फर्क पड़ता है भाई साहब। नीचम करा है क्या बोलो? तो कंडीशन आ गई भाई साहब, कंडीशन आ गई। लाइंस विल बी रियल इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, लाइंस विल बी नॉट रियल इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रियल होगी अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है, वो इमेजिनरी होगी अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा है। अब मुझे लगता है कि ये कंडीशन अपन पहले लिख चुके हैं, ये मैंने सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में भी लिखा दी ये वाली चीज, उसमें अंडर रूट में सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए बी आया था, आया था, आया था यार, हैं? देखो नोटिसेबल चीजें, नोटिसेबल नोटिसेबल, ये सेकंड डिग्री जो जनरल इक्वेशन लिखी ना मैंने, दैट कंटेन्स सेकंड डिग्री होमोजीनियस, हैं? ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस, क्या ये दो स्ट्रेट लाइन जनरल, ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जनरल लाइन्स है, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करके अगर इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखी जाए, तो अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, तो मैं वो इक्वेशन लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई तो करना है यार, कौन सी बड़ी बात हो गई, ट्राई करें। चलो भाई एक्स स्क्वायर की टर्म बोलना भाई, और आएगी, और आएगी क्या, अरे और आएगी क्या, नहीं एक ही आएगी शायद, है ना, एक्स वाई देखो ये आएगा माइनस थ्री एक्स वाई और ये आएगा प्लस फोर एक्स वाई, समझ में नहीं आ रहा, माइनस थ्री एक्स वाई और प्लस फोर एक्स वाई कितना हुआ, प्लस एक्स वाई, अच्छा अच्छा वाई स्क्वायर वाला देखना, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर। आपको पता है एक चीज, आप अगर नोटिस कर रहे हो, अभी तक ये तीन टर्म जो मैंने लिखी इसमें माइनस थ्री और माइनस सेवन का यूज ही नहीं किया गया है, इसमें माइनस थ्री और माइनस सेवन का इस्तेमाल, मल्टीप्लाई करते हो, माइनस थ्री माइनस सेवन का नंबर ही नहीं आने दिया अभी तक, तो कौन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक्स वाई वाले वही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे,
हैं? अच्छा देखो आगे -6x -7x तो -13x, फिर 2 है -14y +9y -5y और -7 -3 +21 बराबर 0। इन तीन टर्म्स का कंट्रीब्यूशन या इन तीन टर्म्स का इजाफा हुआ किन से? इनकी कांस्टेंट टर्म्स की वजह से। हैं? बहुत उम्दा चीज बताने जा रहा हूं। ये लाइन, ये वाली लाइन x प्लस 2y = 3 कहीं तो होगी, कहीं तो होगी। माइनस हाफ स्लोप है इसका, इसका माइनस हाफ स्लोप है ना। सपोज करो अगर आपको वो लाइन बनानी पड़ जाए, कोई बोले कि यार लाइन बना के दिखाओ, तो हमने बोला अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, लोकल दर्जे की बातें करते हो। माइनस हाफ स्लोप की लाइन बनानी है और x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट 3/2 है ना भाई साहब, ऐसी बनेगी मोटी मोटी। मैं, मेरी तो आदत है, मैं वैसे ही बनाता हूँ। इसको नीचे ले जाओ, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिख जाता है, खटाक से लाइन बनती। इसको नीचे ले जाओ, एक्स इंटरसेप्ट इज 7/2, 7/2 मतलब 3.5 तो आगे काटेगा है ना, और वाई इंटरसेप्ट -7/3 मतलब नीचे काटेगा। तो मुझे लगता है दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी लगभग। हैं? लगभग। अच्छा यार एक बार बताओ, ये 2x -3y = 7 है। एक अच्छी चीज पूछ रहा हूं आपसे, इसकी पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास होने लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। जल्दी बोलो यार इक्वेशन, बोलो इक्वेशन। 2x -3y = पक्की बात? क्यों बेले जी? 2x -3y = 100%। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन पता है, x प्लस 2y = 3 है। इसकी पैरेलल एक लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लिख सकते हैं, x प्लस 2y = पक्की बात है क्या यार? अच्छा x प्लस 2y = 0। फर्क पता है क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, कॉन्स्टेंट टर्म गायब हुई है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो पता है क्या मिलेगा, 2x² प्लस xy -6y² = 0। मीन्स द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। क्या? द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यानी कि एक्चुअल में ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जौन सी भी दो लाइन रिप्रेजेंट करने वाली है, जौन सी भी दो लाइन रिप्रेजेंट करने वाली है, उनके स्लोप, उनके क्या एक्चुअली, देखो ये जो लाइंस होती है इनके स्लोप में कांस्टेंट टर्म का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं भाई साहब। कांस्टेंट टर्म क्या लेने दे, लाइन का स्लोप क्या है? लाइन का स्लोप आता है एक्स और वाई की टर्म से। इसका स्लोप माइनस हाफ, इसका स्लोप 2/3। इसमें 3 और 7 ने झंडे नहीं काटे, सही है? तो मैंने जनरलाइज कर दिया भाई साहब इस बात को। क्या? किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट करे जाने वाली लाइंस के जो स्लोप्स हैं वो इन्हीं तीन टर्म में छिपे हुए हैं, यानी कि उसके होमोजीनियस पार्ट में। वो होमोजीनियस पार्ट कैसे बनता है? अगर मेरी जो दो लाइंस है, रेड लाइंस जो दी हुई हैं, उनके पैरेलल अगर मैं ओरिजिन से जाने वाली लाइनें बना दूंगा, क्या, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कौन सी होगी? इसकी सेकंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट से जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही होंगी वो। समझ रहे हो क्या यार? मास्टर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? मास्टर ये समझाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब, अगर आपको इन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है और अगर कोई आपसे, ध्यान सुनना, अगर कोई आपसे इनके बीच का एंगल पूछ ले, समझ रहे हो, अब इनके बीच के एंगल को निकालने के लिए एक नई थ्योरी देने से ज्यादा बढ़िया इंसान ने बोला भाई इसे शिफ्ट करके यहां ले आ, ये लाइनें बन जाएगी ब्लू, बन जाएगी रेड विल टर्न इनटू ब्लू, कमाल के। और पता है क्या है, ये एंगल आज भी उतना ही है जितना वहां था, पैरेलल शिफ्ट करी ना यार, ये एंगल वही है जो है, एंगल थोड़ी बदल जाएगा ओरिजिन शिफ्ट करने से। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट द ओरिजिन। अगर मुझे सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, सेकंड डिग्री जनरल टाइप की इक्वेशन दे रखी है ये, इनकी कंबाइंड, ये इन दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, अब लाइनें निकालने तो एक अलग बात है,
लेकिन हम लाइन वाइन थोड़ी निकालेंगे कोई फैक्टराइज करके। हमसे क्या पूछा भाई, इस लाइन, ये जो लाइन है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का एंगल बता दो भाई साहब। मैंने पता है क्या लिखा, मैंने वही लिखा जो मैंने उस दिन लिखा था, टेन थीटा बराबर टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ध्यान दीजिए बात पे, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करे जाने वाली दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला वही होता है जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के बीच का था। क्यों? क्योंकि स्लोप तो इन्हीं के पास है भाई साहब, उस दिन भी इन्हीं के पास था जब सेकंड डिग्री होमोजीनियस बनी थी, आज भी इन्हीं के पास है। ये लोग तो कांस्टेंट की वजह से आए हैं, सही है? अगर इन हटा भी दोगे तो स्लोप में तो कोई अंतर नहीं आने वाला। इनके हटाने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि इस लाइन को शिफ्ट, इन दोनों लाइंस को शिफ्ट करके आप ओरिजिन पे ले आए, दैट्स इट। उससे इनके बीच के एंगल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हैं? उम्दा ये नहीं है, ये तो वही फॉर्मूला है सेम टू सेम, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है? एग्जैक्टली सेम जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस के केस में था, ठीक है? मजे की बात ये है कि जब इसके इनके एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन पूछी गई, किसकी किसकी, इनके एंगल बाइसेक्टर कंबाइंड इक्वेशन पूछ डाली एक दिन किसी ने, इनके एंगल बाइसेक्टर की, ओ सॉरी ये तो 90 होता है इसमें कुछ नहीं, इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ ली भाई किसी ने, ग्रीन लाइंस की, इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। अच्छा देखो ऐसा है, इस केस का फॉर्मूला तो निकाल चुका हूं मैं, इस केस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब होता जो होता है, ठीक है, समझ रहे हो? किसी ने मेरे से पूछ लिया सर्कल में, ऐसे एक बार हम टेंजेंट में भी कर चुके हैं ये चीज, एक छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर होती है। अगर ये सर्कल बड़ा होता, बड़ा मतलब इस सर्कल का सेंटर 0.0 के बजाय अल्फा कॉम बीटा पे होता, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे बोलता, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भाई साहब। मैं क्या करूंगा अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखो 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 देखो, ये कौन है, इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करी जा रही है, किससे, मेरी सेकंड डिग्री इक्वेशन से, ये कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, अरे कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी भाई साहब, नहीं समझ आ रहा? तो मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है अल्फा कॉमा बीटा पे, अल्फा कॉमा बीटा पे, सही है? तो मैं पता है क्या करता हूं, मेरे को ये ग्रीन लाइंस की इक्वेशन निकालनी थी, मैं अपनी कुर्सी उठाई यहां से उठा के यहां आ गया भाई साहब, ये मेरे को ओरिजिन जैसा लगने लग गया। अगर ये मेरे को ओरिजिन, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जस्ट एन इमेजिनेशन, मैं अपनी कुर्सी उठा के पॉइंट ऑफ रेफरेंस उठा के वो उचक के ट्रेन में चढ़ जाना, नहीं जमीन पे खड़ा आदमी अचानक चलने लग जाता है, यही होता है ना, होता क्या, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो आप, और क्या करते हो, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन आएगी ना इनकी, ग्रीन वालों की, वो क्या लिख पाऊंगा, देखो एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी